40 वैल्यूएबल जवान्स वर सैक्रिफाइस सिर्फ हमारी गलती से हुआ, तो तुम उनका किस पे चुप रह गया? प्रधानमंत्री जी को करप्शन से कोई बहुत नफरत नहीं, ही इज वेरी इल इन्फॉर्म्ड पर्सन। इट वॉज ए ग्रेट ग्रेट ट्रेजेडी इन द लाइफ ऑफ नेशन। नमस्कार दोस्तों, हाल ही में सीनियर पॉलिटिशियन सत्यपाल मलिक ने कुछ बड़े सेंसेशनल बयान दिए प्रधानमंत्री मोदी और पुलवामा हमले के बारे में। सत्यपाल मलिक एक एमएलए रह चुके हैं यूपी स्टेट असेंबली के, फिर 2 टाइम राज्यसभा एमपी रह चुके हैं, उसके बाद एक लोकसभा एमपी रह चुके हैं अलीगढ़ से, फिर ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड टूरिज्म बने, और फिर पिछले 6 सालों में ये गवर्नर रह चुके हैं बिहार, जम्मू एंड कश्मीर, गोवा और मेघालय के। अब आमतौर पर जब कोई इतने सीनियर पॉलिटिशियन इतने बड़े इंसिडेंट को लेकर कोई बड़ा खुलासा करते हैं या कोई इतना बड़ा बयान देते हैं तो मीडिया पर इसे 2400 घंटे प्ले किया जाता है, लेकिन हमारे मेनस्ट्रीम मीडिया ने और टीवी चैनलों ने इनके बयान को ऑलमोस्ट ब्लैकआउट कर दिया, इसकी बात तक नहीं करी। हमारे ये टीवी चैनलों में बैठे एंकर्स जो अपने आप को देशभक्त और नेशनलिस्ट कहते हैं, इन्हें हमारे जवानों की कोई परवाह नहीं थी। लेकिन यहां पर बात करनी इसलिए जरूरी है क्योंकि ये मुद्दा नेशनल सिक्योरिटी का है, हमारे जवानों की जिंदगी का है। आइए समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। सत्यपाल मलिक ने पहले इंटरव्यू दिया प्रशांत टंडन को उनके YouTube चैनल पर, फिर सीनियर जर्नलिस्ट करण थापर ने उनका इंटरव्यू लिया और फिर रवीश कुमार ने। मेनली इन सारे इंटरव्यूज में 3 बयान उनके थे जो काफी स्टैंड आउट किए। पहला, उन्होंने कहा कि पुलवामा हमले में पाकिस्तान का हाथ जरूर था, लेकिन सरकार की मशीनरी की नेग्लिजेंस को इग्नोर नहीं किया जा सकता। जब वो प्रधानमंत्री मोदी और NSA अजीत डोभाल के पास गए इस चीज को पूछने, तो उन्होंने इन्हें चुप रहने को कहा। दूसरा, इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी इल इन्फॉर्म्ड हैं और कश्मीर के बारे में इग्नोरेंट हैं। और तीसरा, इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को करप्शन से कोई बहुत नफरत नहीं है। आइए कहानी को शुरू से देखते हैं, 2014 से जो यहाँ पर सिचुएशन बनी रही थी उसे समझने की कोशिश करते हैं। साल 2014 में लोकसभा इलेक्शन हुई थी जिसमें भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी जीत मिली थी। एक बड़ा पॉइंट इनके मैनिफेस्टो में था आर्टिकल 370 को हटाना। इसके कुछ ही महीने बाद दिसंबर 2014 में इलेक्शन होती है जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट में। यहाँ 2 मेजर लोकल पॉलिटिकल पार्टीज थी, पहली PDP पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जिसके चेहरे थे मुफ्ती मोहम्मद सईद और उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती, और दूसरी NC यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस जिनके मेन चेहरे थे फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे ओमर अब्दुल्ला। इन दोनों के अलावा ऑब्वियसली कांग्रेस और BJP भी इन इलेक्शंस में लड़ रहे थे। इलेक्शन कमीशन के अनुसार इन इलेक्शंस में जम्मू एंड कश्मीर में रिकॉर्ड ब्रेकिंग हाईएस्ट वोटर टर्नआउट देखा गया पिछले 25 सालों में। ये बहुत ऐतिहासिक था, 65% लोगों ने वोट डाला जो कि ऑलमोस्ट सेम होता है 2014 के नेशनल इलेक्शंस के वोटर टर्नआउट से। ऐतिहासिक इसलिए था क्योंकि कई कश्मीरी सेपरेटिस्ट ने इन इलेक्शंस को बॉयकॉट करने की मांग उठाई थी, लेकिन कश्मीरी जनता ने इस बॉयकॉट की मांग को नजरअंदाज किया और भारी संख्या में वो वोट देने आए। कश्मीरी लोगों ने इंडियन डेमोक्रेटिक प्रोसेस में अपना फेथ दिखाया। इलेक्शन के रिजल्ट्स में एक हंग असेंबली देखने को मिली, गवर्नर्स का रूल इम्पोज किया गया, काफी बातचीत हुई, चर्चा हुई, डिस्कशंस हुई अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, और 2 पार्टीज अलायंस में उभर कर आई, BJP और PDP। ये अलायंस काफी अजीब थी क्योंकि कई मुद्दों पर इन दोनों पार्टीज के विचार एक दूसरे से काफी अलग थे, लेकिन फिर भी कोलेशन के लिए ये एक डॉक्यूमेंट सामने लेकर आए जिसे नाम दिया गया एजेंडा ऑफ द अलायंस। कई कॉमन ग्राउंड्स के पॉइंट्स बताए गए, जैसे कि डेवलपमेंट को लेकर, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को लेकर ये दोनों एक दूसरे से सहमत थे। एक और ऐसा पॉइंट था AFSPA को लेकर, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। कहा गया कि दोनों पार्टीज एग्री करती हैं कि इसे रिव्यू किया जाना चाहिए। आर्टिकल 370 के बारे में कहा गया कि जो प्रेजेंट पोजीशन है वो मेंटेन रहेगी ऑन ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। तो इस अलायंस में मुफ्ती मोहम्मद सईद को चीफ मिनिस्टर घोषित किया जाता है, वो स्वॉन इन करते हैं, लेकिन जनवरी 2016 में उनका देहांत हो जाता है, फिर से गवर्नर रूल लगाया जाता है जम्मू एंड कश्मीर पर, फिर से कंसल्टेशन होती है BJP और PDP के बीच में, और अप्रैल 2016 को नई चीफ मिनिस्टर बनती है महबूबा मुफ्ती, जम्मू एंड कश्मीर के इतिहास में फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर। लेकिन 2 साल आगे बढ़े, जून 2018 में वो रिजाइन कर देती है चीफ मिनिस्टर की पोजीशन से मजबूरन, जब BJP अपना सपोर्ट पीछे हटा लेती है इस कोलेशन से। उस वक्त के गवर्नर NN वोरा को एक लेटर लिखा जाता है यही चीज एक्सप्रेस करते हुए, और जो BJP के जम्मू एंड कश्मीर के इंचार्ज होते हैं राम माधव, वो कहते हैं कि पार्टी के लिए अनटेनेबल बन गया था इस कोलेशन सरकार में बने रहना। एक बार फिर से गवर्नर रूल लगता है और अगस्त 2018 में हमारी कहानी के मेन किरदार की एंट्री होती है। सत्यपाल मलिक जम्मू एंड कश्मीर के अगले गवर्नर बनते हैं।
नवंबर 2018 में महबूबा मुफ्ती ट्वीट करती हैं कि उन्हें 56 MLAs का सपोर्ट मिल चुका है, 12 कांग्रेस से, 15 नेशनल कॉन्फ्रेंस से। लेकिन दूसरी तरफ उनके राइवल सज्जद कहते हैं पीपल्स कॉन्फ्रेंस से, जिनके पास सिर्फ 2 MLAs थे, कि उन्हें भी सरकार बनाने के लिए MLAs मिल चुके हैं। उनके पास बीजेपी का सपोर्ट है और 18 MLAs का सपोर्ट है। तो सवाल ये कि सरकार कौन बनाए। गवर्नर सत्यपाल मलिक यहां पर फैसला लेते हैं स्टेट असेंबली को डिसॉल्व करने का। इस चीज के लिए उन्हें काफी क्रिटिसाइज भी किया जाता है। रिप्लाई में वो कहते हैं कि सरकारें सोशल मीडिया पर नहीं बनती। महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि उन्होंने गवर्नर को कॉल करने की कोशिश करी थी, अपना लेटर फैक्स करने की कोशिश करी थी, लेकिन ये फेल रहा। सत्यपाल मलिक कहते हैं कि ईद का समय था, फैक्स ऑपरेटर को तो भूल जाओ, कुक भी उनका काम नहीं कर रहा था। आगे वो ये भी कहते हैं कि अगर उन्हें फैक्स मिल भी जाता तो भी वो अपना फैसला नहीं बदलते, क्योंकि रिपोर्ट्स मिल रही थी उन्हें हॉर्स ट्रेडिंग की, सिचुएशन बहुत खराब थी। आलोक प्रसन्ना कुमार scroll.in के लिए लिखते हैं कि गवर्नर का जो फैसला था वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। वो कई पास सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को कोट करते हैं, ये कहते हुए कि गवर्नर अपनी असेंबली को किसी भी रीजन की वजह से डिसॉल्व नहीं कर सकते। ये डिसीजन सिर्फ इस पर रिलाय करना चाहिए कि सरकार बनाना इम्पॉसिबल है। अभी रिसेंट इंटरव्यू में करण थापर सत्यपाल मलिक की इस फैसले को लेकर काफी ग्रिलिंग भी करते हैं। करण कहते हैं कि ये ना सिर्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, बल्कि ये वर्स्ट मिस्टेक है जो एक गवर्नर कर सकते हैं। सत्यपाल मलिक अपने आर्ग्यूमेंट्स को दोबारा से दोहराते हैं इस इंटरव्यू में कि उन्हें फैक्स नहीं मिला था, कोई कॉल नहीं मिली थी उन्हें, और फारूक और महबूबा उनसे एलिजिडली कह रहे थे असेंबली को डिसॉल्व करने को। यू एंडेड अप डिसॉल्विंग एन असेंबली व्हिच वाज वायबल एंड व्हिच कुड हैव फॉर्मड अ मेजॉरिटी गवर्नमेंट। दैट इज नॉट ओनली अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इट्स द वर्स्ट मिस्टेक अ गवर्नर कैन मेक, एंड यू डिड इट। फारूक महबूबा एक हफ्ते से रोज मुझे कह रहे थे कि आप असेंबली डिसॉल्व कर दो, क्योंकि हमारे MLAs तोड़े जा रहे हैं। दिसंबर 2018, 6 महीने बाद गवर्नर्स रूल एक्सपायर हो जाता है और रूल्स के अनुसार जम्मू एंड कश्मीर को प्रेसिडेंट्स रूल के अंदर डाल दिया जाता है। इससे पहले प्रेसिडेंट्स रूल जम्मू एंड कश्मीर पर 22 साल पहले लगाया गया था। प्रेसिडेंट्स रूल में होने का मतलब बेसिकली यही था कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गया है जम्मू एंड कश्मीर। ऐसा होने के 2 महीने बाद 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमला होता है। एक मारुति इको की गाड़ी जिसमें 300 किलो से ज्यादा एक्सप्लोजिव्स भरे हुए थे, एक बस से जाकर टकराती है CRPF कॉन्वॉय की, और इसके चलते 40 CRPF के जवान अपनी जान खो देते हैं। CRPF में एक इंटरनल इंक्वायरी कंडक्ट करी जाती है ये देखने के लिए कि कौन से वो सिक्योरिटी लैप्सेस थे जिसकी वजह से यह हमला हुआ। सोर्सेस के अनुसार इस इंक्वायरी में ये पाया गया कि हालांकि IED हमलों को लेकर बहुत से इनपुट्स थे, लेकिन इस कॉन्वॉय को लेकर स्पेसिफिकली कुछ शेयर नहीं किया गया था। फ्रंटलाइन अखबार एक साल लंबी इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करता है इस पर। इसमें यह पता चलता है कि कम से कम 11 इंटेलिजेंस इनपुट्स आए थे 2 जनवरी 2019 और 13 फरवरी 2019 के बीच में, जो इस पर इशारा कर रहे थे कि एक इमिनेंट गैस्टली अटैक होने वाला है, एक खूंखार हमला बहुत जल्द होने वाला है। एजेंसीज जानती थी जैश ए मोहम्मद टेरर कमांडर मुदासिर अहमद खान के बारे में, जिसे बाद में पुलवामा का मास्टरमाइंड आइडेंटिफाई किया गया। ये 4 फॉरेन मर्सिनरीज के साथ काम कर रहा था एक मेजर फिदाइन अटैक पर आने वाले दिनों में। इनके पास ये भी इंफॉर्मेशन थी कि मुदासिर खान किन गांव में घूम रहा था जनवरी 2019 की आखिरी वीक में। अप्रैल 2019 में द क्विंट को एक कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन का एक्सेस मिलता है जो इसी के बारे में बात करता है। 24 जनवरी को जम्मू एंड कश्मीर CID के एक ऑफिसर ने एक चिट्ठी लिखी थी अपने सीनियर ऑफिसर्स को, ये कहते हुए कि 2-3 फॉरेन टेररिस्ट हैं JEM के, जो रिसेंटली मुदासिर खान से मिलने गए एक स्पेशल अटैक की प्लानिंग करने। ऑफिशियल कम्युनिकेशंस रेडियो किए जाते हैं पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस को, हाई अलर्ट की कॉल करी जाती है। ये बताया जाता है कि हाईवे को सैनिटाइज करने की जरूरत है और ट्रूप्स की स्पेशल डिप्लॉयमेंट की जरूरत है, एक हमला कभी भी हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में 78 व्हीकल्स की एक अनयूजुअली लंबी कॉन्वॉय 2500 से ज्यादा CRPF पर्सनल्स को कैरी कर रही थी, सड़क के द्वारा ट्रैवल कर रही थी जम्मू टू श्रीनगर। सत्यपाल मलिक करण थापर को बताते हैं कि इतनी बड़ी कॉन्वॉय कभी सड़क के जरिए ट्रैवल नहीं करती, इसलिए CRPF ने होम मिनिस्ट्री से 5 हवाई जहाजों की मांग करी थी, लेकिन होम मिनिस्ट्री ने यह हवाई जहाज सैंक्शन करने से मना कर दिया था। इसके अलावा ये बताते हैं कि इस हाईवे के रूट को ढंग से सैनिटाइज भी नहीं किया गया था। सैनिटाइज का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि सैनिटाइजर लगा लेना, इसका मतलब है कि इस सड़क को सेफ और सिक्योर बनाना, क्योंकि इतने सारे मिलिट्री के लोग इस पर जाएंगे। इस रूट में 8-10 लिंक रोड्स थी और सत्यपाल के अकॉर्डिंग कोई ना कोई जिप्सी यहाँ पर खड़ी होनी चाहिए थी, इन लिंक रोड्स पर मैंड होनी चाहिए थी ताकि कोई और ना घुस पाए इस रूट में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। जो भी लिंक रोड थे वो अनमैन्ड, अनमैन्ड ऑल ऑफ देम, ऑलमोस्ट लिंक रोड थे कुछ अराउंड 8-10, 8-9 लिंक रोड वो अनमैन्ड, अनमैन्ड। सत्यपाल मलिक कहते हैं कि फिर उन्होंने ये चीज प्रधानमंत्री मोदी को जाकर बताई कि ये हवाई जहाज अगर हमने दे दिए होते तो ऐसा ना हुआ होता। एंड आई टोल्ड इट टू द प्राइम मिनिस्टर सेम इवनिंग कि ये
हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो। और सत्यपाल ये भी कहते हैं कि उन्होंने ये चीज जाकर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल को भी बताई और उन्होंने भी इन्हें चुप रहने को कहा। इसके बाद सत्यपाल मलिक कुछ बड़ी शॉकिंग चीज कहते हैं। मैं उनके एग्जैक्ट शब्दों को कोट करता हूं। मैं आपसे शेयर कर सकता हूं कि मुझे ये लग गया था कि ये सारा ओनस अब पाकिस्तान की तरफ लाना है, इसलिए अब चुप रहिए। करण थापर पूछते हैं कि ये सरकार की चालू पॉलिसी थी कि पाकिस्तान को ब्लेम करो और हमें क्रेडिट मिलेगा और इससे हमारे इलेक्शन को फायदा होगा। सत्यपाल मलिक कहते हैं एग्जैक्टली। यहाँ राहत इंदौरी का शेर याद आता है, सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या। पाकिस्तान को लेकर सत्यपाल मलिक का कहना है कि पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट जरूर हुई होगी, क्योंकि इतना सारा एक्सप्लोजिव इंटरनली देश के अंदर से नहीं लाया जा सकता। लेकिन ये भी कहते हैं कि ये हमारा फेलियर था कि ये गाड़ी 10-12 दिन तक अंदर घूमती रही इतना सारा एक्सप्लोजिव लेकर और इससे लोकेट नहीं किया जा सका। उस वक्त के होम मिनिस्टर थे राजनाथ सिंह और सत्यपाल कहते हैं कि अगर ये खुद होम मिनिस्टर हुए होते तो ये रिजाइन कर देते, क्योंकि इनके इनकॉम्पिटेंस की वजह से 40 जवानों की जान गई। मार्च 2019 में समाजवादी पार्टी के लीडर राम गोपाल यादव ओपनली आरोप लगाते हैं प्रधानमंत्री मोदी पर। ये कहते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस दुखी है सरकार से, जवान मार दिए गए वोट्स के लिए, चेकिंग नहीं थी जम्मू श्रीनगर के बीच में, जवानों को सिंपल बसेस में भेज दिया, ये साजिश थी। सेम महीने में इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल पार्टीज को कहता है ये डिफेंस फोर्सेस के एक्शंस को लेकर अपना प्रोपेगेंडा करना बंद करें सारे पॉलिटिशियंस, स्पेशली लोकसभा की पॉलिटिकल कैंपेन्स के दौरान। 1 अप्रैल 2019, जो कि अप्रैल फूल्स डे भी होता है, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ एक रैली कर रहे थे। इस रैली में ये इंडियन आर्मी को मोदी जी की सेना करके रेफर करते हैं। कांग्रेस के लोग आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते थे और मोदी जी की सेना आतंकवादियों को गोली और गोला देती है, यही अंतर है। इस कमेंट को लेकर कई ऑपोजिशन पार्टीज ने ही नहीं बल्कि रिटायर्ड डिफेंस ऑफिसर्स ने भी ऑब्जेक्शन उठाया। इवन बीजेपी के पॉलिटिशियन रिटायर्ड जनरल वीके सिंह ने कहा, अगर कोई कहता है कि भारत की सेना मोदी जी की सेना है तो वो गलत ही नहीं, वो देशद्रोही भी है। अगर कोई कहता है कि भारत की सेना मोदी जी की सेना है तो वो गलत ही नहीं है, पर वो देशद्रोही भी है। भारत की सेनाएं भारत की हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है। इसके करीब एक हफ्ते बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी कैंपेन में क्या कहते हैं, सुनिए। क्या आपका पहला वोट पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? बहुत लोगों ने इस चीज पर ऑब्जेक्शन उठाया, लेकिन एनीवेज अपनी कहानी पर वापस आए तो 2019 की लोकसभा इलेक्शंस को नरेंद्र मोदी और बीजेपी जीत जाते हैं। जुलाई 2019 में जम्मू एंड कश्मीर पर लगाया गया प्रेसिडेंट्स रूल एक्सटेंड किया जाता है और 6 महीनों के लिए। अगले महीने 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटाया जाता है। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। अब ये काफी अंडरस्टैंडेबल है कि सेपरेटिस्ट को डिटेन कर लिया जाता है, लेकिन वो भी पॉलिटिकल लीडर्स जो काफी लंबे समय से डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे थे। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, इन सबको भी हाउस अरेस्ट के अंदर डाल दिया जाता है। इन्हें इस स्पेकुलेशन पर हाउस अरेस्ट में डाला जाता है कि पब्लिक एटमॉस्फेयर इससे डिस्टर्ब होगी। अगले 4-5 दिन तक सेक्शन 144 इंपोज किया जाता है श्रीनगर पर। हाई स्पीड मोबाइल इंटरनेट को अगले 18 महीने के लिए बंद कर दिया जाता है। सत्यपाल मलिक अपने इंटरव्यू में इसे जस्टिफाई करते हैं ये कहते हुए कि पाकिस्तान इस इंटरनेट को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकता था। करण थापर कहते हैं रिस्पॉन्स में, पाकिस्तान के चालू पीछे आपने कश्मीर को हिंदुस्तान से कट ऑफ कर दिया। लेकिन आर्टिकल 370 पर आए तो सत्यपाल मलिक ने एक्चुअली 2 दिन पहले ANI से बात करी थी और इन्होंने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक्चुअली में इन्हें इसके बारे में खुद पता ही नहीं था जब तक ये हुआ। प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इट्स नॉर्मल, ओनली रूमर मॉन्गरिंग इज गोइंग ऑन, इट्स ए वेरी रूटीन थिंग हियर। इतना बड़ा फैसला हो रहा था, राज्यपाल को ना तो 2 दिन पहले पता था ना 2 महीना पहले पता था, और राष्ट्रपति का आदेश कहता है कि राज्यपाल की मंजूरी ले ली गई है। अब सत्यपाल मलिक का संवैधानिक नैतिक बोध ही बता सकता है कि क्या वे सही बोल रहे थे।
ये कहते हैं कि ये जानते थे कि आर्टिकल 370 को कभी ना कभी तो हटाया जाएगा क्योंकि ये प्रधानमंत्री मोदी के एजेंडा पर था, लेकिन जब इसे एक्चुअली हटाया गया इन्हें ना तो प्रधानमंत्री ने ना ही होम मिनिस्टर ने इन्फॉर्म किया। इन्हें ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ पिछली रात को मिली जब कॉल आती है होम मिनिस्टर से, ये कहते हुए कि सत्यपाल मैं आपको एक लेटर भेज रहा हूं, आप इसे पास करवा दीजिए कमेटी से सुबह के 11 बजे से पहले। क्लियर शब्दों में ये जताते हैं कि आर्टिकल 370 के हटाए जाने के फेवर में थे। उस समय पर भी आज से 3 साल पहले जब इंटरव्यू लिया गया था एबीपी गंगा के द्वारा इनका, तो इन्होंने कहा था कि आर्टिकल 370 को हटाने से डेवलपमेंट देखने को मिलेगी कश्मीर में और पूरे देश के लिए ये अच्छी चीज होगी, नई जॉब्स की क्रिएशन होगी, यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। ये स्टेट के डिवीजन के भी फेवर में थे कि लद्दाख को एक सेपरेट स्टेट बनाया जाए, लेकिन एट द सेम टाइम ये इस चीज के खिलाफ थे कि जम्मू एंड कश्मीर को एक स्टेट से डीमोट करके एक यूनियन टेरिटरी बना दिया जाएगा। ये कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को डर था कि कहीं एक रिवोल्ट ना हो जाए, इसलिए स्टेट पुलिस को अपने कंट्रोल में करना चाहते थे, लेकिन इनकी राय में अगर इनसे पूछा जाता तो ये डर जायज नहीं था। अगर सरकार इनसे पूछती तो ये कभी सजेस्ट नहीं करते ये करने को। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में सत्यपाल मलिक ने कहा कि वो एक वेरी इल इन्फॉर्म्ड आदमी है, उन्हें कोई जानकारी नहीं है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी के बारे में मेरी वो ओपिनियन नहीं है जो सारी दुनिया की है। मैं बहुत सारी चीजें, जैसे मैं जब भी उनसे मिला, ही इज वेरी इल इन्फॉर्म्ड पर्सन, उनको कोई जानकारी नहीं है, कोई इल इन्फॉर्म्ड अबाउट कश्मीर। जब भी मेरी बात हुई उनका इन्फॉर्मेशन लेवल बहुत नीचे था। एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी को कश्मीर की हालातों के बारे में, असली समस्याओं के बारे में एक्चुअली पता ही नहीं। तो ये जो हमारी तिकड़मे हैं इनसे हमारे बारे में यकीन पैदा नहीं होता। ये एग्जाम्पल देते हैं कि कैसे वहां पर इन्होंने एक फुटबॉल टीम को सपोर्ट किया था, कैसे इन्होंने 1 करोड़ रुपए दिए और 1 करोड़ और बैंक से लेकर दिए और ये टीम देश की टॉप 3 टीम्स में आ गई। एक मैच हुआ जहां पर 20,000 से ज्यादा लड़के इस मैच को देखने आए और इवन कुछ सेपरेटिस्ट ने अपना सपोर्ट जताया इस चीज को लेकर। सत्यपाल मलिक कहते हैं कि या तो इन्हें बॉल दे दो या फिर ये पत्थर उठा लेंगे। तो इन्होंने कई गाँव में कई प्लेग्राउंड्स आइडेंटिफाई किए ताकि लोगों को स्पोर्ट्स की ओर शिफ्ट किया जा सके। जब करण थापर ने इनसे पूछा कि अगर आपकी इतनी अच्छी बनती थी कश्मीरी लोगों से तो सेंट्रल गवर्नमेंट नेगोशिएट करने के लिए आपका यूज कर सकती थी, लेकिन इन्होंने कहा कि सरकार को कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। एक और बड़ा खुलासा सत्यपाल मलिक ने किया करप्शन को लेकर। इन्होंने बताया कि जब ये कश्मीर में थे रिलायंस इंश्योरेंस एक इंश्योरेंस स्कीम खोलना चाहती थी कश्मीर में। राम माधव जो कि बीजेपी के फॉर्मर नेशनल जनरल सेक्रेटरी थे वो इनसे 7 बजे सुबह मिलने आए इसे क्लियर करवाने के लिए, लेकिन सरकारी एम्प्लॉयज इससे खुश नहीं थे क्योंकि सरकारी एम्प्लॉयज को 8,500 रुपए साल के देने पड़ते और दिल्ली की CGHS में ऐसा कोई अमाउंट पहले नहीं देना पड़ता। दूसरा पॉइंट ये था कि 5-6 हॉस्पिटल्स जो इसकी के अंडर आते थे वो 3rd grade के हॉस्पिटल थे, इन्होंने कहा। तो इन्होंने इस स्कीम को कैंसिल कर दिया। इंटरव्यू में कहते हैं कि हालांकि राम माधव ने इन्हें कोई रिश्वत नहीं दी इस चीज के लिए, लेकिन रूमर्स सुनने में आ रहे थे। एक एक स्कीम करीब 150 करोड़ रुपए को इन्वॉल्व करती थी और अगर ये क्लियर करते तो इन्हें 300 करोड़ रुपए तक मिल सकते थे। सत्यपाल मलिक ने ये चीज पिछले साल भी बताई थी कि सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स दोनों डिपार्टमेंट में इन्हें 150 करोड़ रुपए ऑफर करते एक एक फाइल क्लियर करने के। जवाब में इन्होंने कहा कि मैं 5 कुर्ते पजामे अपने साथ लेकर आया हूं और यही वापस लेकर जाऊंगा। जब करण थापर ने पूछा कि क्या प्रधानमंत्री भी इन करप्शन स्कैम्स में इन्वॉल्व्ड हैं, सत्यपाल मलिक ने ये कहा, No, he was not involved, but मैं आपको ये बता सकता हूं, लगता है ना? सेफली कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी को करप्शन से कोई बहुत नफरत नहीं है। अपने पॉइंट को प्रूफ करने के लिए वो एक और एग्जांपल बताते हैं। जब सत्यपाल गोवा के गवर्नर थे इन्होंने प्रधानमंत्री को एक दिन कॉल किया कंप्लेन करने के लिए करप्शन के बारे में। तीसरे दिन प्रधानमंत्री ने वापस कॉल करते हैं ये कहकर कि सत्यपाल आपकी इन्फॉर्मेशन गलत है। सत्यपाल उनसे उनका सोर्स मांगते हैं इन्फॉर्मेशन का, तो वो किसी आदमी का नाम लेते हैं और सत्यपाल कहते हैं ये आदमी तो खुद चीफ मिनिस्टर के घर पे बैठ के रुपए ले रहा था। और एक ही हफ्ते के अंदर अंदर सत्यपाल मलिक को फिर ट्रांसफर कर दिया जाता है वहां से। और उसका बड़ा सबूत है कि मैंने गोवा में उनको शिकायत की कि ये करप्शन हो रहा है, लो लेवल करप्शन हो रहा है। तो उन्होंने मुझे तीसरे दिन खुद फोन करके कहा, सतपाल भाई आपकी जानकारी गलत है, आपने किससे मालूम किया? उन्होंने कहा कि मैंने फला आदमी से मालूम किया। मैंने कहा ये तो खुद चीफ मिनिस्टर के घर में बैठ के पैसे ले रहा है। ऐसे ही कई और एग्जांपल्स गिनाते हैं वो करप्शन स्कैम्स के जहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया और कोई एक्शन नहीं लिया गया। पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वाइस चांसलर्स को एक्चुअली में अपॉइंट किया जाना चाहिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ऑन द एडवाइज ऑफ अ कमेटी जिसमें प्राइम मिनिस्टर हो, लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो लोकसभा के और चीफ जस्टिस हो। सत्यपाल मलिक कहते हैं कि गवर्नर्स को भी ऐसे ही चूज किया जाना चाहिए क्योंकि इनकी राय में कई 3rd class के लोग गवर्नर बन गए हैं आज के दिन। इन्होंने कहा कि पिछले 2 सालों में कई वाइस चांसलर्स अपॉइंट किए गए हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में और एक भी ऐसा नहीं है जिसका कोई आरएसएस से कनेक्शन ना हो और इनकी राय में इनमें से ज्यादातर ऐसे हैं जो एक कॉलेज
प्रिंसिपल बनना भी डिजर्व नहीं करते। तो आरोप यहाँ पर बहुत बड़े हैं, बड़े बड़े खुलासे किए गए हैं। इन सब के रिस्पांस में भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी का क्या रिस्पांस था? प्रधानमंत्री मोदी का रिस्पांस एब्सोल्यूट साइलेंस। अगर कुछ होता तो मैं जरूर बताता इस वीडियो में, लेकिन उनकी तरफ से बिल्कुल कोई रिस्पांस नहीं आया। यही सेम चीज प्रधानमंत्री मोदी ने अडानी के इशू को लेकर भी करी थी, बिल्कुल एब्सोल्यूट साइलेंस। अडानी का नाम लेकर एक भी जवाब नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी का कुछ रिस्पांस जरूर आया है। बीजेपी के कश्मीर स्पोक्स पर्सन का कहना है कि सत्यपाल मलिक उम्र की वजह से अपनी मेमोरी लूज कर गए हैं और उन्हें एक साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में शिफ्ट हो जाना चाहिए। बीजेपी आईटी सेल के चीफ अमित मालविया ने रिस्पांस में सत्यपाल मलिक की एक पुरानी वीडियो दिखाई जिसमें वो राहुल गांधी को क्रिटिसाइज कर रहे थे, राहुल गांधी को पॉलिटिकल जुवेनाइल बुला रहे थे और उन्होंने कहा कि कांग्रेस को ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए। लेकिन सत्यपाल मलिक अपनी सारी स्टेटमेंट से अभी भी स्टैंड बाय करते हैं। उनकी सिक्योरिटी को डाउनग्रेड कर दिया गया है सिर्फ एक सोल्जर तक, लेकिन वो कहते हैं कि उन्हें डर नहीं है। वो कहते हैं कि ये सारी एजेंसीज उन पर रेड कर सकती हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, उन्हें जेल जाने से कोई डर नहीं, कोई इन्हें मार नहीं सकता, वो सिर्फ सच बोल रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। यहाँ पर आपकी क्या राय है दोस्तों, आप नीचे कॉमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं। और अडानी वाले एलिजिट स्कैम के बारे में और जानने के लिए